आज शाम को पिंडवाड़ा से उदयपुर की ओर जा रहा कच्चे तेल से भरा टैंकर पलटने से चालक व खलासी घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से घायलों को गोगुंदा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। वहां से उनको उपचार के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया। टैंकर के पलटने से उससे निकला तेल सड़क पर बह गया और सड़क पर ऐसा हाल हो गया कि दर्जनों दुपहिया वाहन फिसल फिसल कर गिरते नजर आए। दुर्घटना NH 27 पर चोरबावड़ी चौराहे से पहले हुई है। महादेव मंदिर के पास में ये घटना हुई है, जहां एक मोड़ है और उस मोड़ पर अनियंत्रित हो गया ये टैंकर और पास में रोड के जो साइड में लगा हुआ रेलिंग है उस रेलिंग से टकरा कर ये नीचे गिरा। आप देख सकते हैं पूरा टैंकर जो है फट चुका है और इससे पूरा तेल निकल के रोड पे बह गया और पास में जा रहे नाले में से होता हुआ आगे 1 किलोमीटर तक चला गया। मौके पर पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस के द्वारा घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जानकारी मिली है कि ये टैंकर जो है गुजरात के कांडला बंदरगाह से बूंदी जा रहा था, वहीं तेल को लूटने के लिए आसपास के लोगों के लोग भारी संख्या में आए। जो बर्तन हाथ में आया उस बर्तन को लेके लोग यहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने तेल भर भर के अपने घर पे वो ले गए।